हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। बच्चों, डेट है आपकी इस वर्कशीट की 27 अगस्त 2021। तो बच्चों, आपकी आज सामाजिक विज्ञान की आप वर्कशीट कर रहे हैं या आपके हिंदी मीडियम में है, तो आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ठीक है, तो आज हम इस वर्कशीट को देखते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो इसमें हम 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका जो शासन था, जो गैरिसन शहर होते, गैरिसन क्या होते, जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने का स्थान, वहाँ से शायद ही उनका जो शासन है वहाँ से आगे कभी फैला होगा। शहरों से संबंध था लेकिन उनसे दूर भीतरी शहरों पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था। तो कह रहे हैं कि उनका शहरों पर तो नियंत्रण था लेकिन जो उससे अंदर उससे दूर जो भीतरी शहर थे उन पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था। तो इसी कारण से उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि पर व्यापार आदि के लिए व्यापार करे लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उनका नियंत्रण क्या था बच्चों, शहर के अंदर नहीं था। इसलिए उन्हें अगर सामग्री चाहिए, रसद चाहिए, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, कर या लूटपाट से ही उन पर लेना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो ये जो बंगाल और सिंध के जो गैरिसन शहर थे उन पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल था बच्चों। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम ने भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्नभिन्न हो जाते थे। तो कठिन क्यों था, क्योंकि वहाँ पे बगावत होती रहती थी, युद्ध होते रहते थे, और जो मौसम था वो भी बहुत ही नाजुक था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनके सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। तो ये भी दिक्कत थी वहाँ पर क्या था, अफगानिस्तान और जो वहाँ से आने वाले हमलावर और सूबेदार थे उनसे भी उनको चुनौती मिलती थी। जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थी। तो ये सभी वजह से क्या था, सल्तनत को खतरे में थी और वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से उन्होंने बचा रखा था। आगे देखते हैं इसमें हम, सल्तनत का संस्थापन गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। तो बताइए इसमें क्या, सल्तनत जो थी वो गियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी और इसके बाद अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसका विस्तार हुआ था। तो विस्तार के लिए दो अभियान चले थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से दो अभियान थे बच्चों। फर्स्ट था बच्चों यहाँ पे सल्तनत की भीतरी सीमा यानी कि गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र, और दूसरा था सल्तनत की बाहरी सीमा पर गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र, उनको बोलते हैं सल्तनत की बाहरी सीमा में। तो पहले हम देखते हैं सल्तनत की भीतरी सीमा में। सल्तनत की भीतरी सीमा में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूत करना। तो जो भीतरी सीमा में जो अभियान चले थे उनका क्या मकसद था कि जो उनकी जो भीतरी शहरों में जो स्थिति है उसको और भी मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा यमुना के दुआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। गंगा और ये जो यमुना इसके बीच में जो एरिया था उसमें जो भी जो जंगल थे उसको साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके प्रयास से खदेड़ दिया गया और जो शिकारी थे जो वहाँ पर रहते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया और जो जमीन थी जो साफ करके यहाँ पर जमीन थी उसको किसानों को दे दिया गया और वहाँ पर फसल वगैरह उगाई गई। नेक्स्ट है व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया बच्चों, वहाँ पे नए नए किले गैरिसन शहर और शहर बनाए गए। ये थी हमारी भीतरी सीमा की बात। अब हम करते हैं बाहरी सीमा की बात। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। तो बाहरी सीमा में क्या हुआ बच्चों, सैनिक अभियान स्टार्ट किए गए ताकि जो उसका क्षेत्र है वो और विस्तार हो उसके, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए थे। इन अभियानों से में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। तो भारी सीमा में जो उन्होंने अभियान चले उससे क्या, उन्हें हाथी मिले, घोड़े मिले, गुलाम मिले और मूल्यवान धातुएं भी उनके कब्जे में आ गई। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो जिस प्रकार से ये अभियान चलाए हुए थे इसके कारण क्या होता, तो बहुत बड़ा एक उपमहाद्वीप हमारे जो भारी सीमा के अंतर्गत था वो अब हमारे शासनकाल के अंदर
आ चुका था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया और शहरों का कब्जा किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या, शत्रुओं की जो सेनाएं थी उनको परास्त किया और जो उनके आसपास के जो शहर थे उनको उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। इसकी सुविधा और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। तो जो इसके जो शहर जो उन्होंने कब्जे में लिए थे उसके जो सूबेदार और प्रशासक थे वो मुकदमे में फैसले सुनाते थे और जो कर मिलता था उससे वो और साथ के साथ जो किसानों थे उनसे वो कर भी वसूल करते थे। मतलब क्या था, अब क्या था कि उनकी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी थी, मतलब उनको अब ज़्यादा पैसे मिलने लग गए थे क्योंकि भारी सीमा से उन्हें नए नए राज्य अपने राज्य में मिला लिए थे और अब उनको कर भी लेते थे उनसे। तो अब उनका जो है वित्तीय माल था वो अब ज़्यादा बढ़ने लग गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मुश्किल वर्ड्स आए थे उनके हम मीनिंग देखते हैं। जैसे भीतरी प्रदेश का क्या मतलब है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति करें। ठीक है, तो यह किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाका जो होता है जिसे उस इलाके को वस्तु या सेवाएँ मिलती हैं। गैरिसन शहर क्या होता है, किलेबंदी वसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। किलेबंद गैरिसन शहर में क्या होता है, सैनिक रहते हैं। दोआब दो नदियों के बीच की जमीन, जैसे दो नदी है इसके बीच की जो जमीन है इसको हम बोलते हैं बच्चों दोआब। ठीक है, आप देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो इनके हम नाम देखेंगे बच्चों, हमने यहाँ पे देखा था तो इसका नाम सर आप लिखेंगे बंगाल और सिंध। ये आपका सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, बंगाल और सिंध बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो किसके शासनकाल में हुआ था बच्चों दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार, तो इसमें आप लिखेंगे इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से हम क्या समझते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर आप देखें, भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के जंगलों तक फैला था। दोआब क्षेत्र के शिकारी संग्राह को चरवाहों को इस क्षेत्र से हटा दिया गया और यह भूमि किसानों को दे दी गई। किसानों को कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि सल्तनत दिल्ली की भीतरी भागों तक पहुँची थी, उसे सल्तनत की भीतरी सीमा कहा जा सकता है। और बाहरी सीमा क्या था, बाहरी सीमा क्षेत्र से अभिप्राय सिंध और बंगाल की गैरिसन शहरों उपमहाद्वीप के दक्षिणी भागों से है। ये शहर सल्तनत का हिस्सा तो थे परंतु इनके पर सल्तनत का नियंत्रण बहुत ही कम था। ठीक है, तो आपके लास्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सलूशन आपको समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।